Hey guys, welcome back to my channel. और मैं हूँ आराधना. फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो कुर्ती हॉल का है और इन्हें मैंने अमेजोन से परचेज किया था ड्यूरिंग सेल टाइम में. और इस बार मैंने काफ़ी अलग अलग वैरायटी ऑफ कुर्तीज परचेज की, मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स है उसमें. कोई जैकेट स्टाइल में है, कोई एम्ब्रॉयडर्ड है, तो कोई डबल लेयर्ड है. काफ़ी अलग अलग वैरायटी है. वन बाय वन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी कुर्तीज़ इस बार परचेज की है. बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे और आप लोगों को मेरा रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और हाँ, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना सो डैट कि जब भी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी आप लोग नोटिफाइड हो जाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो फ्रेंड्स, सबसे पहली वाली जो कुर्ती है वो है ये वाली और ये जैकेट स्टाइल में है ये पैटर्न लाइक दिस इस तरह से. और ये कॉम्बिनेशन में है ब्लैक और ये समवॉट कुछ ब्लू कलर के शेड में है. इसे हम एग्जैक्टली पूरा ब्लू नहीं कहेंगे, ये समवॉट कुछ फिरोजी ब्लूइश काइंड ऑफ है. और देखिए फ्रेंड्स, इसका जो पैटर्न है ये कुछ इस तरह से, ये अंदर हमें ये ब्लैक का लेयर मिल रहा है, ऊपर से हमें ये जैकेट स्टाइल में इस कलर का, ये फिरोजी कलर का हमें ये जैकेट पैटर्न में मिल रहा है. बट ये इसमें अटैच है, ऐसा नहीं कि इसे हम डिटैच करके अलग से वेयर कर सकते, ये इसमें हमें स्टिच होकर मिल रही है. और इसका जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से राउंड नेक पैटर्न में है और जो ब्लैक लेयर वाला पार्ट है उसके अंदर हमें ये फॉइल प्रिंट मिल रहे हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न में लाइक दिस इस तरह से. और जो हमारा ये जैकेट पैटर्न में है इस पर भी हमें ये बॉर्डर दिया गया है लेस का, नॉट एग्जैक्टली हम लेस कहेंगे बट हाँ एक बॉर्डर दिया गया है सेम इसी मटेरियल का. और इसके ऊपर हमें ये फॉइल प्रिंट मिल रहा है जो कि पूरा लुक दे रहा है लेस वाला ही, ये देखिए. और ये काफ़ी लॉन्ग है, मीन्स ऑलमोस्ट पूरी फ्लोर लेंथ को तो टच नहीं कर रही बट हाँ अराउंड कुछ उतनी लेंथ की ये कुर्ती है. और जो ये इसका जैकेट का पार्ट है ये शॉर्ट है, ये हमारे नी लेंथ तक आता है. जैकेट वाला पार्ट है ये हमारी काफ़ी मतलब पूरा राउंड तक, पूरा फ्लोर लेंथ तक तो टच नहीं करेगा बट हाँ उसके अराउंड ही है. और ये बैक साइड से कुछ इस तरह से है फ्रेंड्स, ये देखिए. यहाँ पे तो हमें इसमें कोई स्लीव्स अटैच नहीं मिल रहा है लेकिन हाँ स्लीव्स हमें एडिशनल इसमें प्रोवाइड किया गया है जो कि कुर्ती में अंदर अटैच है. और इस कुर्ती में हमें साइड में इस तरह से जो कट मिलता है यहाँ पे हमें इस तरह से ये टैसल्स भी लगे हुए मिल रहे हैं जिसमें गोल्डन बीड्स है और ये जरी वाले धागे यूज़ किए गए टैसल्स के लिए. और ये दोनों ही तरफ है, ये देखिए इस तरफ भी मिल रहा है और इस तरफ भी. तो ये इससे क्या है कि इस कुर्ती को थोड़ा एक अट्रैक्टिव लुक्स मिल रहा है और ये काफ़ी स्टाइलिश लग रही है. ऐसा भी नहीं है कि ये कोई सिंपल सी है, इसको हम किसी पार्टी फंक्शन में पहन के जाना चाहे, किसी बर्थडे पार्टी में या छोटी मोटी सेरेमनी में पहन के जाना चाहे तो वहाँ पे इसको इजीली कैरी कर सकते हैं. यहाँ पे तो मैंने ट्राई ऑन में ब्लैक लेगिंग्स के साथ में पहना, आप चाहे तो गोल्डन कलर के प्लाजो के साथ में पहन सकते हैं, ब्लैक प्लाजो के साथ में पहन सकते हैं और साथ में कोई दुपट्टा कैरी कर ले तो एक परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक आपका रेडी हो जाएगा इस कुर्ती के साथ में. तो ये बहुत ही बेस्ट डील है और ये अंडर 300 रुपीज़ है, कैन यू बिलीव इट. नेक्स्ट वाली जो कुर्ती है वो है ये वाली फ्रेंड्स और ये समवॉट कुछ मस्टर्ड कलर में है. और इसका जो पैटर्न है ये कुछ है तो इसका मटेरियल वैसे कॉटन रेयॉन का और कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, पहनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था. ऐसा लग रहा था बहुत ही लाइट वेटेड, मीन्स बहुत ही लाइट मटेरियल सा कुछ हमने पहना है तो समझ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है ये. और इसमें हमें देखिए इस तरह से जैसे जो खादी मटेरियल वाले प्रिंट होते हैं कुछ इसमें हमें वैसा प्रिंट मिल रहा है. ये मुझे थोड़ा सा डिफरेंट भी लगा बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि हमें यहाँ प्लेन कॉटन का मटेरियल वाला कुर्ता मिल जाएगा या रेयॉन में प्लेन मिल जाएगा मीन्स, लेकिन कुछ वैसा मिक्स वाला नहीं रहता तो ये मिक्स में है कुछ. ये देखिए जैसा मैंने बताया कि इस पर हमें ये खादी वाले प्रिंट मिल रहे हैं तो जिससे लग रहा है कि ये खादी वाली ही कुर्ती है. तो ये कुछ इस तरह से है और इसमें हमें यहाँ पे ये बटन्स लगे हुए मिल रहे हैं नेकलाइन पे. और ये देखिए इसमें ये पहनने के बाद में काफ़ी अच्छा लुक्स दे रहा था. और यहाँ पे अलग अलग एम्ब्रॉयडरी की गई है लाइक कुछ जैसे कोन वाली आइसक्रीम होती है उस तरह से. और यहाँ पे हमें इस तरह से ये छोटे छोटे टैसल्स लगे हुए मिल रहे हैं जो कि रेड एंड ब्लू कलर में है और थोड़ा सा डिफरेंट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है. और इसके साथ में भी हमें एडिशनल स्लीव्स अटैच मिल रही है जो कि हमारी कुर्ती के अंदर है, वो हमारी मर्जी, हम चाहें तो लगवाना चाहें तो लगवाएं या तो ना लगवाएं. और जो इसमें स्लीव्स मिल रही है वो हमें शॉर्ट स्लीव्स मिल रही है. नेक्स्ट वाली जो कुर्ती है फ्रेंड्स वो मेरी इस शॉपिंग की सबसे फेवरेट वाली कुर्ती है और इसका लुक्स पहनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, बहुत ही प्रिटी लग रहा था. मीन्स कोई भी ऑफिस में अगर हम पहन के जाना चाहें या हम कोई टीचिंग प्रोफेशन में, हम टीचर हैं, हम इस तरह की कुर्ती पहने तो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगता है.
ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा इस तरह से हमें हाई नेक पैटर्न में मिल रहा है, जिसे चाइनीज नेक पैटर्न बोलते हैं इस तरह से। और इसमें हमें ये वुडन वाले बटन भी मिल रहे हैं जिनको हम बंद कर सकते हैं। दो बटन हमें यहाँ पे ये ओपन मिलेगा और बाकी ये वाले जो है ये हमें स्ट्रेच मिल रहे हैं, इनको हम ओपन नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये पूरा नेक कवर कर दे रहा था और बहुत ही रिच लुक दे रहा था। कोई बिलीव नहीं करेगा कि ये कुर्ती 350 रुपीस की है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मीन्स जब मैंने इसे जब पहना था तो आई वॉज लाइक वाओ कितना कंफर्टेबल है ये। और इसमें जो हमें स्लीव्स मिल रही है वो हमें इस तरह से पूरी शॉर्ट हैंड नहीं मिल रही है, जो कि हमारे यहाँ तक आती है, इतने लेंथ की हमें स्लीव्स मिल रही है, जो कि काफ़ी रिच लुक दे रहा था। और ये लेंथ में भी काफ़ी लॉन्ग है, मीन्स पूरी फ्लोर लेंथ तक तो नहीं है, लेकिन हाँ उससे बस थोड़ा सा ही शॉर्ट होगा। तो इसको भी हम चाहें तो किसी प्लाजो के साथ में पहने, या हम किसी, जैसे मैंने तो यहाँ पे लेगिंग्स के साथ में वेयर किया, लेकिन हम प्लाजो के साथ में भी पहनेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हमें ये ग्रे कलर का यहाँ पे पैटर्न, ब्लैक ग्रे वाइट इस तरह के कॉम्बिनेशन में मिल रहा है, तो वाइट के साथ में ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसका जो मटेरियल है ये कॉटन रेयन का मटेरियल है, पहनने में बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है। नेक्स्ट मैंने जो लिया था फ्रेंड्स वो है ये वाला, और ये मल्टी कलर में है, लाइक ऑरेंज, ब्लू, वाइट, ब्लैक सब मिक्स है इसमें, तो ये काफ़ी कलरफुल है। और इसका जो मेन बेस कलर है वो तो ऑरेंज ही कलर है, ऑरेंज एंड वाइट। ये देखिए इस तरह से है, ये राउंड नेक पैटर्न में हमें रिसीव होता है इस तरह से, और इस पर हमें ये पूरा प्रिंट मिल रहा है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जैसे कि यूरोपियन इंग्लिश जो होता है कुछ इस तरह से इसमें प्रिंट है, और काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखिए पूरा अच्छा सा इसमें पैटर्न बना हुआ है, काफ़ी सुंदर लग रहा है ये। यहाँ पे नीचे साइकिल का भी एक डिज़ाइन बनी हुई है, साइकिल और पूरा फुल ऑफ ट्री फ्लावर्स इसमें सारे ड्रॉ किए हुए हैं। और अगेन यहाँ पे भी हमें कुछ यूरोपियन इंग्लिश में, रोमन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, जो कि मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। और इसका भी जो पैटर्न, इसका भी जो मटेरियल है ये कॉटन रेयन का है, पहनने पे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट ये कुर्ती हमें स्लीवलेस मिल रही है, इसके साथ में हमें कोई स्लीव्स अटैच नहीं मिल रहा है, तो अगर आप स्लीवलेस पहनना प्रेफर करते हैं तो ही आप इस कुर्ती के लिए जाइएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा, बिकॉज इसके अंदर कोई हमें स्लीव्स नहीं मिल रही है। और बैक साइड से ये फुल्ली ऑरेंज कलर में है, और काफ़ी अच्छा लुक्स आ रहा था। समर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, ऑफिस वर्किंग हो या हाउस वाइफ हो या मतलब कॉलेज स्टूडेंट हो, पता नहीं कॉलेज अभी जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट हाँ कहीं जाना चाहे तो इसे हम इजीली कैरी कर सकते हैं, बहुत ही लाइट वेटेड है। और सबसे अच्छी चीज़ कि ये ओनली फॉर 250 रुपीज़ है, तो ये तो डेफिनेटली ग्रैब वाली डील है। नेक्स्ट वाला जो कुर्ता है वो है ये वाला फ्रेंड्स, और ये येलोइश अंडरटोन में, इसको हम पूरा प्योर येलो नहीं कहेंगे, बट कैमरे में ये येलो नज़र आ रहा है, बट ये पूरा प्योर येलो कलर नहीं है, ये सपोर्ट कुछ येलोइश ब्राउनिश अंडरटोन में है। और ये देखिए हमें इस तरह से यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है इसके नेक का, यहाँ पे हमें वी कट में इसका ये नेक पैटर्न मिल रहा है, और यहाँ पे हमें ये इस तरह से जैसे ये जिगजैग पैटर्न में सारे स्टिचिंग की गई रहते हैं मटेरियल की, इस तरह से हमें ये हमारे शोल्डर पे आएगा। प्लस यहाँ पे हमें एक बड़ा सा पैच बना हुआ मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा, जैसे शॉल वॉल के मटेरियल होते हैं उस तरह के मटेरियल का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे हमें जो हमारे चेस्ट पे आएगा ये इस तरह से बड़ा सा पैटर्न आ रहा है, जो कि मल्टी कलर में है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके वजह से इस कुर्ती का जो लुक्स है वो काफ़ी अच्छा बन गया है। और इसका भी जो मटेरियल है ये कॉटन रेयन का मटेरियल है, अगेन ये हमें स्लीवलेस रिसीव होगी, बट इसके साथ में एडिशनल स्लीव्स हमें मिल रहा है। बैक साइड में भी हमें इस तरह से ये पैच बना हुआ मिल रहा है इस कुर्ती में, जैसा कि फ्रंट में दिया हुआ है, यही शॉल वाला, जैसा मैंने बताया शॉल पे जो डिज़ाइन होते हैं उस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है। साइड में हमें इस तरह से कट मिल रहा है, और बॉटम में भी हमें इस तरह से इसमें ये लेस मिल रहा है लाइक दिस, इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमें फ्रंट और बैक, जैसे कि ये पूरा यहाँ का लेस नहीं कवर हुआ है, ये इस तरह से ट्राइंगल फॉर्म में यहाँ पर डिज़ाइन दिया हुआ है इसके एजेस पे, इस तरह से फ्रंट में भी है और हमें बैक में भी लगा हुआ मिल रहा है, ये देखिए। तो इसके वजह से इस कुर्ती को ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे रहा है, और अगेन ये मुझे अंडर 250 या 270 रुपीज़ में मिली है, तो इतने सस्ते में अब हम और क्या लेंगे, आप ही बताइएगा मुझे। नॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने ये वाली कुर्ती ली थी फ्रेंड्स, और ये ग्रे कलर की है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, प्योर कॉटन का मटेरियल है, पहनने में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगती है, बहुत ही रिच लुक दे रही थी। और इस पूरे कुर्ती पे हमें इस तरह की ये वाइट प्रिंट वाले फॉर्म में कुछ पैटर्न बना हुआ मिल रहा है, राउंड नेक पैटर्न में है, ये देखिए इस तरह से। और हमें ये बटन्स मिल रहे हैं, हम ये, मैंने जब इसे डिस्प्ले में देखा था तो मैंने सोचा था कि वाओ फुल्ली हमें बटन मिल रहा है इसमें, तो मैं नीचे वाले बटन्स को ओपन करके इसे एक अलग अलग स्टाइल में भी पहन सकती हूँ, बट ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ हमें ये तीन ही बटन हम ओपन कर सकते हैं, बाकी जितने भी
और नीचे हमें ये बटन मिल रही है सारे, इसमें स्टिच है, इनको ओपन नहीं किया जा सकता, बट कोई बात नहीं है। कुर्ती पहनने पे बहुत ज्यादा अच्छा लुक्स दे रही थी। और इसमें हमें देखिए इस साइड में हमें पूरा ये डॉट डॉट पैटर्न मिल रहा है लाइक दिस, और इस साइड में लाइनिंग्स बनी हुई हैं अलग अलग डिजाइन की, जैसे ज्योमेट्रिकल प्रिंट होते हैं उस तरह की कुछ अलग अलग फॉर्म में डिजाइन्स बने हुए हैं, सारे प्रिंट किए गए हैं सॉरी, और काफी अच्छा लग रहा है। जो स्लीव्स मिल रही है हमें इस तरह से, ये 3/4 स्लीव्स मिल रही है, और जो कुर्ता पैटर्न में बना होता है इस तरह का हमें ये स्टिच मिल रहा है, प्लस यहाँ पे ये बटन लगा हुआ है और इसमें भी ये टैसल्स लगे हुए जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है और इस कुर्ते को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक्स दे रहा है। बैक साइड से ये कुछ इस तरह से है, ये देखिए, और साइड में हमें इस तरह से ये कट मिल रहा है, और सेम जो प्रिंट हमें कुर्ते की यहाँ पे फ्रंट में मिल रहा है सेम वही प्रिंट हमें बैक में भी रिसीव हो रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स। और पूरा कुर्ता पहनने के बाद में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, ऑफिस के लिए तो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, घर में भी पहनना हो, कहीं बाहर आउटिंग के लिए जा रहे हैं वहां पे भी हम इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों ने देख ही लिया कि ये सारे ही कुर्ते कितने ज्यादा ब्यूटीफुल हैं और सभी के प्राइजेस अंडर कुछ 300 रुपीज है। सिर्फ एक ही कुर्ता है जो मेरा फेवरेट था वो अराउंड कुछ 350 रुपीज का है, अदरवाइज बाकी सारे ही कुर्ते 250 या 280 समथिंग इसी प्राइस में है। अब इतने सस्ते में हमें इतना अच्छा शॉपिंग का एक्सपीरियंस तो कहीं नहीं मिल सकता, तो डेफिनेटली आप लोग लिंक्स को जरूर चेकआउट कीजिएगा, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया माय हॉल स्टोर, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अब मैं आप लोगों को मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन बाय, टेक केयर एवरीवन।